आएंगे, सोलह वाले सत्रह में आएंगे। तो इस तरह से बोर्ड के मुलाजमीन को, अफसरों को, और जो है मुलाजमीन को आगे बढ़ना है, उनको अप्रिशिएट करना है, इनिशिएटिव देना है। क्यों बैठे रहे हैं? कोई रूल नहीं है, रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है भाई? आगे हम बढ़े हैं, ऑटोनोमस बढ़ेंगे, मैं कुछ अपना पावर यूज करेंगे, कुछ मैं अपना सोर्स इस्तेमाल करूंगा, चीजें आगे बढ़ेंगी, लोग आगे जाएंगे, लोगों का प्रमोशन होंगे, काम होंगे, तो चीजें आगे इंसेंटिव होगा, जज्बा और बढ़ेगा, बोर्ड और बेहतर होगा। तब रोकी हुई चीजों में आपका तावल और आपकी दुआ, दो चीजें शामिल होनी चाहिए इसमें सर। लेकिन इंशाल्लाह आगे जाएंगे, बोर्ड के लिए और काम करेंगे, बोर्ड को और अच्छा करेंगे, और बोर्ड के लिए जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ रिसेप्शन तक जाएंगे, काम करवाएंगे आपको, जितने जिस हद तक मुमकिन हो, जिस हद तक मुमकिन हो, तमाम मसाइल आपके जो है वो हल किए जाएंगे। और ये मुझे खुशी है कि एपका के प्लेटफॉर्म से जो है मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इंशाल्लाह ताला बात आगे बढ़ेगी, बात पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, बोर्ड के लिए बात आगे बढ़ेगी, एम्प्लॉइज का की बेनिफिट, उसका जो है वो वेलफेयर, ये मेरा फर्स्ट लक्ष्य प्लान है कि बोर्ड के एम्प्लॉइज की वेलफेयर और उसके वेलबींग के लिए मैं काम करूं। इसी तरह से जो है मेरे लिए अफसर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्कर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अफसर वर्कर मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंस रखता है, और सबकी बेहतरी के लिए, जिसका कोई काम ऐसा हो उसका अगर जो लीगल राइट हो, उस लीगल राइट जरूर मिलेगा। अल्लाह आपको खुश रखे, मुझे दुआ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे आमद पर तकरीब का इनेकाद किया, और फर्दन फर्दन नाम तो मेरे साथ ताल्लुक के तमाम लोगों का शुक्रिया, और उनका भी शुक्रिया जो सामीन हाजरीन यहाँ पे मौजूद हैं कि मेरे रिसेप्शन में वो आए। और मैं यही कोशिश करूँगा कि मुलाजमीन के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल किए जाए, और उनके जो देरीना मुतालबा जो काफ़ी ज़माने से रह गए हैं, जिसमें प्रमोशन है, रेगुलराइजेशन है, वो प्रायोरिटी पे जो है वह हल करूँ। चेयरमैन मोहतरम सैयद शरफ अली शाह साहब को वेलकम पार्टी दी गई थी, जिसमें बोर्ड के अफसरान समेत, अमले समेत, सब ने भारी तादाद में शिरकत की और इस फैसले का खैर मकदम किया कि हमारे नए चेयरमैन को उन्होंने, सब ने उनके साथ उनको पसंद किया है, और तमाम मुलाजमीन ने इस बात का अज़म किया है कि हम मोहतरम चेयरमैन के, मोहतरम चेयरमैन साहब के मिशन को कामयाब बनाएंगे, और कराची के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएंगी, तालीमी मियार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाएगा। सेकेंडरी बोर्ड जूनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आज जो तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें जनाब चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, नाज़िम इम्तिहान साहब और बोर्ड के तमाम सीनियर अफसरान और एम्प्लाइज, जिन्होंने भरपूर तरीके से शिरकत की और अपने नए आने वाले चेयरमैन साहब को वेलकम कहा, और चेयरमैन साहब ने आज अपनी पहली स्पीच में एम्प्लाइज के दिल जीत लिए और एम्प्लाइज से एक ही अहद किया, एक ही वादा किया, आप अपना काम देखते रहें, मैं आपके मसाइल देखूंगा, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है जो मसाइल हम हल ना कर सकें, और आपके जो भी मसाइल होंगे वो हम हल करेंगे, लेकिन आप और हम मिल बांट कर तमाम कराची के बच्चों के, एम्प्लाइज के, स्कूलों के भी मसले मसाइल वो भी हल किए जाएंगे। इस सूरत में हमने चेयरमैन साहब को वेलकम पार्टी रखी थी, तमाम बोर्ड एम्प्लाइज का शुक्रिया किया, और अब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें इस प्रोग्राम में हमारी भरपूर मदद की, हर तरीके से हमारा ताउन किया। चेयरमैन साहब के भी मशकूर हैं कि उन्होंने आज बोर्ड मुलाजमीन के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाई। खासतौर पर डिलीवरीज वालों का मसला था, उस पर चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी बात की, और उन्होंने डेज वालों के लिए आगे इस मसले को उठाने को, इनको रेगुलर करने की बात की, जो बोर्ड मुलाजमीन के लिए बहुत बेहतर है, और उन्होंने बोर्ड मुलाजमीन के दिल जीत लिए ये बात करके, और उन्होंने आज साबित कर दिया कि वो बोर्ड मुलाजमीन के साथ है और उनके हर जायज मसले को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप सब नाज़िम बात कीजिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, वेलकम।